अब है टाइम कि हम उसी रास्ते पे जाएं जिस रास्ते पे पाकिस्तान को आते साथ ही जाना चाहिए था जब हमारा मुल्क बना, और बदकिस्मती से कायदे आजम थे वो ज़्यादा देर जिंदा ना रह सके, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जो उनकी सोच थी उन्होंने हमें उस रास्ते पर लगा देना था। पाकिस्तान अब अपना रास्ता बनाए, हम अपने जहनों को आज़ाद करें, हम कोई अच्छे गुलाम नहीं बनना चाहते, हम ईजाद करना चाहते हैं, हम नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं, अपना रास्ता, और वो आएगा साइंस और टेक्नोलॉजी से, नॉलेज इकोनॉमी से, वो तालीम से आएगा। हमारी बहुत बड़ी दो बड़ी एडवांटेजेस हैं, एक के हमारा दुनिया में सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, दूसरा हमारे पास बड़ा टैलेंट है कि जब आप देखते हैं हमारे ओ लेवल्स और ए लेवल्स में बच्चों की परफॉर्मेंस तो उस दुनिया में कम्पीट करते हैं। उसी तरह अमेरिका में मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन पॉपुलेशन है वो टॉप 3-4 एकेडमिकली टॉप पे एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनके टॉप के ऊपर पाकिस्तानी 3-4 उन एथनिक माइनॉरिटीज़ में से, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा स्टार्ट है। आज ये जो फॉक शुले, इसको ज़रा लोगों को यूज होना पड़ेगा, फॉक शुले, लेकिन ये बड़ी टॉप उनकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं ऑस्ट्रिया में।